किसी भी फाइटर जेट की जो ताकत होती है, उसकी जो क्षमताएं होती हैं, वो उसकी दरअसल मिसाइल और उसकी वेपनरी सिस्टम होती है। फाइटर जेट अपने आप में किसी भी तरह से कोई किसी को नुकसान नहीं दे सकता है, लेकिन जो उसकी मिसाइल होती हैं वही बेहद घातक होती हैं, और उसी से ही जो है वो गेम चेंजर बनता है। जैसे कि हम रफाल लड़ाकू विमान के बारे में जानते हैं कि उसकी जो मिसाइल हैं, उसकी जो मिसाइल जो मिटियोर है बियॉन्ड विजुअल रेंज, और साथ ही स्कल्प मिसाइल जो है डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक मिसाइल जो है, उससे वो गेम चेंजर बनता है। एयरो इंडिया शो में जब हम यहाँ पर आए हैं तो रफाल लड़ाकू विमान की जो मिसाइलें हैं वो तो हमें देखने को मिलती हैं, साथ ही जो दुनिया भर में अपनी मिसाइलों के लिए जाने जाने वाली कंपनी है MBDA, जो कि यूरोप की एक बड़ी कंपनी है, उसने अपनी इन मिसाइलों की यहाँ प्रदर्शनी की है। यहाँ पर रफाल की मिटियोर मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल तो है ही है, साथ ही साथ अब इनकी सफलता को देखते हुए, क्योंकि रफाल लड़ाकू विमान में ये मिसाइल लगी हुई हैं, तो भारतीय वायुसेना ने जो अपनी और दूसरे जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, चाहे हम लोग उनकी बात करें तो जैगवार की बात करें या फिर मिराज 2000 की जिसने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, तो उनके लिए भी भारतीय वायुसेना ने MBDA कंपनी से और मिसाइल लेने की तैयारी की है, और MBDA कंपनी दे भी रही है। मिटियोर के बारे में हम जानते हैं 150 किलोमीटर की रेंज है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। स्कैल्प मिसाइल भी है जो कि जिसकी 300 किलोमीटर तक मार है इसकी, और ये डीप पेनिट्रेशन यानी कि अगर कहीं पर दुश्मन की किसी बंकर को आपको नष्ट करना है या टेरर लॉन्च पैड को करना है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब और ये एक जो ये मिसाइल है जो एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ये SRAM मिसाइल जो है ये भी MBDA की ही मिसाइल है। ये दरअसल जो डॉग फाइट होती है यानी कि आमने सामने की जब लड़ाई होती है, जैसे कि अगर आपको याद होगा कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा में गए थे तो उनके पास जो MiG-21 जो फाइटर जेट था बाइसन, उसने R-73 जो कि रूस की मिसाइल थी वो फायर की थी, वो शॉर्ट रेंज की। तो अब इस तरह की डॉग फाइट के लिए भारतीय वायुसेना इस तरह की MBDA से ये मिसाइल ले रही है जो एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। ये जैगवार के लिए है, ये जैगवार फाइटर जेट जो है भारतीय वायुसेना का, जो कि मैरीटाइम रोल में भी फिट बैठता है, उसके लिए ली गई है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मिका मिसाइल की बात करें, ये मिका मिसाइल भी भारतीय वायुसेना को रफाल लड़ाकू विमान के साथ मिली है, ये उसमें भी फिटेड है, लेकिन अब इसको मिराज 2000 के लिए भी भारतीय वायुसेना खरीद रही है ये मिका मिसाइल। और मिका मिसाइल को साइलेंट किलर के तौर पर जाना जाता है। साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डॉग फाइट यानी कि आमने सामने की लड़ाई जो कि 15-20 किलोमीटर की रेंज में, 50 किलोमीटर तक की रेंज में हो सकती है, लेकिन ये पैसिव मोड में ये बियॉन्ड विजुअल रेंज भी काम करती है, यानी कि ये दूर तक भी मार कर सकती है। तो ये मिसाइल MBDA की है। इसके अलावा क्योंकि भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट्स के साथ साथ अपने हेलीकॉप्टर्स को भी अब वेपनाइज कर रही है, भारतीय वायुसेना ने के लिए जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH जो तैयार किया है HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, और पहले से ही रुद्रा भी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, तो उसके लिए भी MBDA से ये मिस्राइल मिसाइल भारतीय वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर्स होंगे उनमें ही लगेगी। HAL ने MBDA के साथ इसके लिए भी करार किया है और ये मिसाइल मिलनी शुरू भी हो गई है। ये मिसाइल जो होती हैं हेलीकॉप्टर्स के लिए हैं, जो मिटियोर मिसाइल है, मिका मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल या SRAM जो है, वो सब फाइटर जेट्स यानी कि लड़ाकू विमानों के लिए मिसाइल होती है, और जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनके लिए ये इस तरह की मिसाइल होती है क्योंकि इनकी रेंज कम होती है। जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स यानी कि जो अटैक हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनका जो काम है वो लॉन्ग रेंज का नहीं होता है, तो इसलिए ये मिस्राइल मिसाइल भी ये भी MBDA से HAL ने ली है, ताकि अगर करार हो, क्योंकि माना जा रहा है कि बहुत जल्द भारतीय वायुसेना और HAL का करार होने वाला है 15 LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का, तो उसके लिए ही तैयारी की जा रही है। उनमें से 2 हेलीकॉप्टर्स को तो पहले से ही भारतीय वायुसेना को दे दिया गया है जो कि चीन से सटी हुई LEC पर तैनात किए गए हैं। तो ये सारी तैयारियां हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इस एयरो शो में पहुंची हैं, जो अपनी मिसाइलों का, फाइटर जेट्स और अपनी एयरक्राफ्ट, अपने हेलीकॉप्टर्स का तो प्रदर्शन कर रही हैं, साथ ही जो उनको घातक बनाते हैं मिसाइल और वेपन्स के, वो भी यहां पर पहुंची है इस एयरो इंडिया शो में हिस्सेदारी लेने के लिए। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज, एयरो इंडिया शो, बेंगलुरु। ABP न्यूज आपको रखे आगे।